Hello everyone, welcome you all on Conceptual Economics. In this short video, we are going to discuss saving function और propensity to save. इससे पहले के वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से हमने consumption function को draw किया था, उसका diagram हमने कैसे बनाया था और values हमने किस तरीके से उनको प्रोपेंसिटी में कन्वर्ट किया था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव में. तो सेम थिंग्स यहाँ पे भी हम करने वाले हैं जो कि हमने कंजम्पशन फंक्शन के केस में किया था. कंजम्पशन फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इन एन इकोनॉमी. ठीक है, पूरे इकोनॉमी की बात होती है जब हम मैक्रो में हम बात करते हैं. तो ऐसे ही सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, सेविंग फंक्शन सिंपली हो जाएगा आपका एस मीन्स सेविंग इन एन इकोनॉमी इज द फंक्शन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी. क्योंकि सेविंग किससे निकलेगी, सेविंग सेम थिंग्स, सेविंग विल बी डेराइव फ्रॉम द इनकम, जो इनकम जनरेट होगी किसी इकोनॉमी में. तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी आपके सेविंग फंक्शन शोज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इन एन इकोनॉमी. ठीक है, आपको वैल्यूज़ याद होंगी शायद, क्योंकि हम एडी में भी सेम वैल्यूज़ हमने पुट की थी, सेम वैल्यूज हमने एएस में पुट की थी एंड कंजम्पशन फंक्शन में भी सेम वैल्यूज हमने ली थी. सेम वैल्यूज़ लेने का रीजन भी मैंने बताया था कि हमें ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी. अगर आपको वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जाएगा तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये वैल्यूज़ आपको हमेशा याद रहेंगी. तो देखो वाई और सी की वैल्यूज़ हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में. तो वाई और सी आपको याद है तो एस की वैल्यूज हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस. ठीक है, दो वैल्यूज पता है हमें, वाई पता है, सी पता है, तो एस क्या हो जाएगा, सिंपली वाई माइनस सी. ठीक है, तो एस फाइंड कर सकते हैं बाय वाई माइनस सी. यहाँ पर देखो जीरो है, जीरो माइनस 50 कितना आएगा वैल्यू, माइनस 50, 100 माइनस 100 जीरो, 50 देन 100 150 एंड 200. तो आपको स्पेशली याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको सी ऑलरेडी याद है पिछले शेड्यूल से, तो आपने एस फाइंड कर लिया. ठीक है, तो सेम अब हम प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड करते हैं. यहाँ पे भी प्रोपेंसिटी के आपके क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं. एक होता है आपका APS और एक होता है MPS. APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे वहाँ पे APC था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव APS, और ये है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. इसका भी फॉर्मूला सेम है. APS क्या होता है, जैसे वहाँ पर C अपॉन Y होता था, रेशियो ऑफ C टू Y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एस टू वाई, रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल इनकम इज कॉल्ड APS. ठीक है, ऐसे ही MPS क्या हो जाएगा, MPS हो जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई. ठीक है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ये आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ टेबल में फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आपका कौन सा, APS. सिंपली APS क्या होगा, एस अपॉन वाई. तो आपके बुक्स में कई सारे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें टेबल फिल करने के लिए होगा, तो उन न्यूमेरिकल्स को करने में इस यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो APS क्या है, S अपॉन Y, S का डिफरेंट लेवल हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम वैल्यूज यहाँ पे आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ. आप चाहें तो डायरेक्ट APS की वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन होता है वैल्यू कहाँ से आई. ठीक है, तब हमें लिखना होता है, यहाँ पर 100 नहीं है, ये 0 है इसकी वैल्यू, तो 0 लिखेंगे. यहाँ पर कितना है, 0, 0 अपॉन 100. यहाँ पर आप देखेंगे एस की वैल्यू 50 है, 50 अपॉन 100, सॉरी 50 अपॉन 200, देन 100 अपॉन 300, 150 अपॉन 400, और ये आ जाएगा आपका 200 अपॉन 500. तो वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं, अपॉन में 0 है तो ये
इन्फिनिट आएगा, यहाँ पर 100 है और न्यूमरेटर में 0 है, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 0 आ जाएगी। अब ये कितना है, 200 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.375, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन का सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप ये वैल्यूज, ये इस साइड एस की हैं, अपॉन में वाई की वैल्यूज हैं, तो एस को वाई से डिवाइड करेंगे, एपीएस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं अगली जो वैल्यू है, एमपीएस। एमपीएस आपको पता है एमपीएस क्या है, एमपीएस है आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। डेल एस अपॉन डेल वाई भी हम इसको रीड करते हैं, मीन चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो सेम चीज़ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एमपीएस। तो इसके लिए हमें दो और वैल्यू चाहिए, एक चाहिए डेल्टा एस की और एक चाहिए डेल्टा वाई की। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता है कि ये वैल्यू कैसे फाइंड होनी है। एक बार हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये है चेंज इन सेविंग, तो पहले लेवल पर अगर हम देखेंगे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कोई चेंज नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट लेवल पर आप देखेंगे सेविंग में कितना चेंज हुआ है। पहले -50 था, अब हम जीरो पर पहुंच गए, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो माइनस -50, तो माइनस -50 क्या हो जाएगा, प्लस का 50, तो जीरो प्लस 50 कितना चेंज हो गया, 50। यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है माइनस था पहले, मीन जीरो से भी कम था, और माइनस 50 से जीरो पर पहुंच गया, तो कितना बड़ा होगा, कितना चेंज हुआ होगा, 50, तभी तो जीरो आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट, पहले जीरो था और फिर लेवल क्या हो गया, 50 का, तो कितना चेंज हुआ, 50, मीन्स चेंज कितना होता जा रहा है, 50 यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ भी 50 चेंज हो रहा है और यहाँ भी 50 चेंज हो रहा है, मीन्स एट ईच लेवल ऑफ इनकम जो सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, 50, ठीक है। ये हो गया। ऐसे इनकम आप देखेंगे, इनकम पहले लेवल पे तो कोई चेंज नहीं है जब जीरो है इनकम, फिर उसके बाद इनकम कितना चेंज होते जा रही है, 100, ठीक है। अब दोनों वैल्यू फाइंड होगी, डेल्टा एस भी हमारे पास है और हमारे पास डेल्टा वाई की भी वैल्यूज हैं। अब आप एमपीएस को फाइंड कर लीजिए। एमपीएस जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट आप देखो, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई भी प्राइमरी का बच्चा भी अब इसको कर सकता है, क्योंकि वैल्यूज फाइंड हो गई हैं ऑलरेडी। 50/100, ऐसे यहाँ पे 50/100 सारे लेवल पे सेम है, इनको हम सेम वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हैं, आप देखेंगे तो कितनी वैल्यूज आएंगे, सेम सारी 0.5, क्योंकि वैल्यू सेम है तो 0.5 आना है, ठीक है। तो अब ये आपके सारी वैल्यूज फाइंड होगी हैं, किसकी वैल्यू हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एमपीएस, मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट हाउ टू फाइंड एमपीएस When schedule is given, ठीक है। जब schedule given होगा तो आप MPS कैसे find करना है, ठीक है। कई बार fill in the blanks भी आता है इसकी table में, तो ये हो गया। और यहाँ आप देखेंगे तो ये किसकी values हैं, ये values हैं आपकी किसकी, APS की। तो I think ये schedule से आपको समझ में आ गया होगा कि propensity to save दोनों क्या हैं, MPS और APS। अब हम draw करेंगे saving function और saving curve, ठीक है, जिसमें हम APS की कुछ वैल्यूज़ को भी शो करेंगे। तो अब हम ड्रॉ करेंगे आपका सेविंग फंक्शन और यू कैन से सेविंग कर्व, ठीक है। तो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, आपको याद होगा जो हमने वैल्यूज़ डराइव की थी S की, वो है हमारे पास Y है, क्योंकि सेविंग फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन Y एंड S, ठीक है। अब S की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम चेंज दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने माइनस की वैल्यूज़ भी ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज ऑलवेज
वाई हम शो कर रहे हैं नेशनल इनकम, और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं सेविंग, ठीक है, एस को शो कर रहे हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज जो हमारे पास हैं अब हम उनको डेपिक करेंगे इसमें डायग्राम में, ठीक है। तो आप देखेंगे जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है तो यहाँ पे देखेंगे कितनी वैल्यूज हैं सेविंग की, क्या वैल्यू है, -50। तो -50 कहाँ है हमारे पास, ये है, तो एक वैल्यू आपके यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हेन 100, तो इनकम कितनी है 100 है, 100 है, और वहाँ पे सेविंग की वैल्यू कितनी है 0, तो सेविंग इस पर है तो 0 ये है, तो कौन से आएगा, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए 200, जब इनकम लेवल 200 है सेविंग का लेवल कितना है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 300 है, तो ये आपका यहाँ पे 100 है। नेक्स्ट 400 देन 150, 400 पे कितना है 150, और नेक्स्ट आपका जो लास्ट लेवल है 500 पे क्या लेवल है सेविंग का 200, ठीक है, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ मिल चुकी हैं जो सेविंग की हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें सेविंग कर्व मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दूसरे कलर से मिलाते हैं, ये आएगा आपका सेविंग फंक्शन। अब स्केल से मिलाएंगे तो आपका सीधा ही आएगा, ठीक है। तो सेविंग फंक्शन, अब इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है, देखो ये वैल्यूज कितनी है, जितनी वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू थी कंजम्पशन में उतनी निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो कितनी निगेटिव वैल्यू है, वहाँ पर सी बार थी, यहाँ पर भी सी बार, वैल्यू तो उतनी है लेकिन किस फॉर्म में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस का सी बार प्लस, वहाँ पे क्या था, बी था, और यहाँ पे आ जाता है 1-B, यहाँ पे आएगा जिसको हम कहते हैं MPS, ठीक है। ये आपको अभी समझाऊंगा मैं कि 1-B क्यों है, ये MPS है, ठीक है, और इसकी जगह आ जाएगा Y, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको याद है C, तो C हमने क्या लिखा था, C हमने लिखा था C बार प्लस बी वाई, जहाँ पर बी क्या था MPC, और यहाँ पर 1-B क्या है, ये MPS है, ठीक है, क्योंकि MPC प्लस MPS का वैल्यू जो है 1 होता है। ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे, इसके रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना है 1-B क्या है, MPS को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका हो गया इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसका, सेविंग फंक्शन का, सी माइनस का सी बार प्लस 1-BY, 1-B की जगह आप MPS भी मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको APS की वैल्यू शो करनी है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Y भी आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सेविंग है वो क्या है, यहाँ पर नेगेटिव सेविंग है, और यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव सेविंग है, ठीक है। और इस लेवल पर आप देखेंगे सेविंग क्या है, जीरो सेविंग है। ये आपको कई बार रिप्रेजेंट करने के लिए हो सकता है कहा जाए, तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन किस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंजम्पशन फंक्शन, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है सेविंग फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका रिलेशनशिप बिटवीन MPS एंड MPC, APS एंड APC, ठीक है।